हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है शुभम ट्यूटोरियल्स में। आज हमने ये रेसिपी डाली है इनर की। ये बफेलो और गाय के पहले दिन का दूध का इनर है। ये बहुत ही यम्मी रहता है और बहुत ही टेस्टी रहता है। बहुत ही आसान तरीका है इसका इनर बनाने का, यही हमने आज की रेसिपी में डाला है। देखिए इसमें कितना रस भरा है और कितना मुलायम है। ये बर्फी की तरह एकदम लग रहा है। ये रेसिपी आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके पास ये दूध कम है तो हमने आगे रेसिपी में बताया कि आप नॉर्मल दूध मिला करके कैसे इसे ज़्यादा कर सकते हैं और कैसे इसे हम स्टोर करके भी रख सकते हैं एक दो दिन के लिए और खा सकते हैं आराम से। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। हमने ये कैसे बनाई है तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर इनर बनाने के लिए ये बफेलो का दूध लिया है। ये पहला दूध है जब बफेलो का, और हम लोग ये पहले दिन वाला दूध ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दूसरे दिन वाला दूध इतना अच्छा नहीं लगता है। और ये मैंने सिंपल दूध लिया है, इसे हम मिक्स करके बनाएंगे। अगर आप चाहे तो बिना मिक्स किए भी बना सकते हैं। और वो मैंने शक्कर लिया है, वो बिना पीसा हुआ है, और वो मैंने पीसी हुई शक्कर लिया और इसी में मैंने इलायची भी मिला दिया है क्योंकि हम दोनों को पीस देंगे तो दोनों का पाउडर अच्छी तरीके से बन जाएगा इलायची का भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कटोरा दूध लिया है और उसी के दो कटोरी में ये जो हमने बफेलो का इनर था वो ले लेंगे। अगर हमने मेजर से ही लेना है तो अगर हमने दूध ये बफेलो का जो इनर है हमने वो दो कटोरी लिया है तो एक कटोरा हमें सिंपल दूध लेना है। अगर आप चाहे तो वैसे भी बना सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा बनता है, इसके लिए मैंने दो कटोरी लिया है। अब मैं इसमें शक्कर मिला दूंगी। आप अपने टेस्ट के अनुसार मिला सकते हैं, आपको जितना मीठा पसंद हो। और फिर हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने पीसी हुई शक्कर और इलायची पाउडर है मैंने उसे ले लिया है और फिर उसे भी हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। इलायची से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसके लिए हम इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर ले। अगर आपको काजू बादाम भी पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, और अगर नहीं चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। हमें इसे एक अच्छी तरीके से मिलाना है और शक्कर को पूरा अच्छी तरीके से घोल देना है। हमने यहाँ पर शक्कर का यूज़ किया, आप चाहे तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट दोनों से बराबर ही आता है, अच्छा ही लगता है। और यहाँ पर हमने ये बफेलो का पहले दिन का दूध लिया। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप सिर्फ बफेलो को इनर से ही बना सकते हैं, आपको दूध मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ पर ज़्यादा मिलता नहीं है इसीलिए हम दूध मिक्स करके बना रहे हैं तो उससे ज़्यादा बनेगा। हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखिए अभी हमारा ये मैंने शक्कर मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से दूध में। अब हम इसमें जो हमने इसको तेल से ग्रीस कर लिया है अच्छी तरीके से, अब हम इसमें मैं दूध डाल दूंगी और फिर हम इसे गैस पर रख देंगे गर्म होने के लिए। ये हमारा ढोकले वाला साँचा है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैंने इसमें 5 मिनट के लिए पानी गर्म करने के लिए रखा था, तो अब ये पानी गर्म हो चुका है और फिर हमने जो दूध डाला था वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। तो देखिए अभी हमने ये रख दिया है दूध को। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए ढक करके रख दूंगी और हमें इसे हाई फ्लेम पर ही रखना है, लो फ्लेम पर नहीं। तो देखिए अब हमारा 20 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे खोल करके देख लूँगी कि ये कैसा बना है। तो देखिए हमारा इनर बन चुका है अच्छी तरीके से, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो अभी ये अभी तक गर्म है तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं बाहर निकालूँगी और ठंडा करने के लिए रख देंगे हम, क्योंकि ये अभी तक बहुत ही गर्म है। और फिर हम इसे काट के थोड़ा थोड़ा पीस में एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी हमारा ये इनर ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे काट रही हूँ और फिर हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप इसे कैसे भी शेप में काट सकते हैं। देखिए हमारा ये कितने अच्छी तरीके से नाइफ से कट रहा है, मतलब ये हमारा इनर कितनी अच्छी तरीके से पका है। अगर आपका इनर नहीं पके तो आप 5 मिनट के लिए और पका के रख सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से निकल रहा है आराम से, हम काट चुके हैं इसे तो कितना अच्छी तरीके से शेप से निकल रहा है। अब हम ऐसे ही सारे के सारे इनर काट लेंगे और इसे निकाल लेंगे। तो देखिए अभी हमने इन सारे के सारे इनर को शेप में काट लिया है। हमने इसे काजू कतली के शेप में काटा है, आप चाहे तो कोई भी शेप में काट सकते हैं। ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा है खाने में उतना ही टेस्टी लगेगा।
आप बाहर का इनर खाना भूल जाएंगे अगर इसे एक बार ट्राई करेंगे घर पे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।